हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत बिजी बिजी डे है और हमारे किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि बहुत सारा खाना बन रहा है। हमारे फ्रेंड एडमिंटन से आ रहे हैं। यहाँ पे ना कनाडा में लॉन्ग वीकेंड है, 3 डेज की छुट्टी है और वो लोग एडमिंटन से आ रहे हैं। हम 2 ईयर्स पहले जैस्पर गए थे साथ में, तो वहाँ मिली थी उन लोगों से और अब आ रहे हैं वो स्पेशली मम्मी से मिलने। और मम्मी के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, इंडियन चीज़ें ना, स्पेशली बंगाली चीज़ें एडमिंटन में बहुत मिलती है। बंगाली फिश, बंगाली साग, वहाँ पे अलग सा ही बांग्लादेशी स्टोर है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो वो सब कुछ लेके आ रहे हैं। और हम भी खूब सारा यम्मी यम्मी खाना बनाएंगे, घर को अच्छा सा वेलकमिंग वे से सजाएंगे ताकि जो आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। जब भी कोई घर पे आने वाला होता है ना, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो मैं फूड के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करती। जो चीज़ें मुझे पता है कि बहुत अच्छे से मेरे से बन जाती हैं वही बनाती हूँ, जिसमें से एक है दाल मखनी। दाल मखनी को मास्टरी करने में ना मुझे बरसों लगे हैं। पहले जब मैं दाल मखनी बनाती, पानी एक तरफ होता था, दाल एक तरफ होता था, मीठा मीठा बनता था। अब अराउंड 1-2 साल से जो मैं दाल मखनी की रेसिपी फॉलो करती हूँ वो बेस्ट रेसिपी है। और मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है कि सिर्फ जिंजर और गार्लिक, खूब सारा टमाटर भी खूब सारा, उसको अच्छे से घी में या बटर में आप उसको फ्राई कर लो। और जब मसाला बढ़िया से तैयार हो जाए फिर मैं दाल को ऐड करती हूँ। थोड़ा सा दाल ना उसमें मैश कर लेती हूँ और उसके बाद पूरी दाल ऐड करके हाई फ्लेम पे एक बॉईल आ जाता है, उसके बाद लो फ्लेम पे करके काफी देर तक उसको बॉईल करो। जितनी देर ये बॉईल होगा ना, ये दाल बिल्कुल घुल जाता है और तभी बनता है मखनी। आप इसमें क्रीम बटर ना भी डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आज मॉर्निंग में ही दाल मखनी बन गई है, बटर चिकन बना लिया। ये जो मखनी ग्रेवी होता है ना, ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है। आप एक ही मखनी ग्रेवी से बटर चिकन बना सकते हो, पनीर मखनी बना सकते हो, वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल मखनी भी बना सकते हो और एक ट्विस्ट दे सकते हो घी के कोफ्ते को। जो कोफ्ते बनते हैं ना, आप अलग से कोफ्ते बना लो और उसको नॉर्मल प्याज टमाटर की ग्रेवी में ना डाल के मखनी ग्रेवी में डालो, बहुत टेस्टी लगता है। डिनर के लिए मेन मेन्यू तो बिल्कुल रेडी है, बस पनीर की एक सब्जी बनानी है। बट वो बनाने से पहले मैं थोड़ा बहुत ना स्नैक्स की तैयारी कर लेती हूँ। तंदूरी चाप बना रही हूँ और सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसके आइसक्रीम स्टिक्स निकाल लिए हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। मैरिनेशन में थिक योगर्ट ले लिया है, हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, कसूरी मेथी, तंदूरी मसाला, नींबू का रस, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक और अच्छे से थिक सा पेस्ट बना लेंगे। चाप बिल्कुल रेडी है, मैंने अवन में रख दिया है। थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था अवन को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ऐसे ना जब भी कोई आने वाला होता है तो मैं सारा कुछ बना के ना अवन में रख देती हूँ, स्पेशली स्नैक्स, क्योंकि स्नैक्स को आप माइक्रोवेव करना तो थोड़ा सौगी सौगी हो जाता है, तो वो गरम रहता है। थोड़ी देर बस माइक्रोवेव करो या फिर अवन में ही गरम कर लो ना, तो उसका टेक्सचर काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्नैक्स बन रहा है इंटरेस्टिंग, हमारा फेमस वड़ा पाव। वड़ा तो मैं हमेशा बनाती हूँ बट वड़ा पाव कभी साथ में नहीं बनाया। लाइक पाव घर पे नहीं बनाऊंगी, पाव बाहर से आएगा। बट वो जो गार्लिक वाली चटनी होती है ना, वो मैंने कभी नहीं बनाई, तो आज फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। और आलू ऑलरेडी बॉईल करके मैश करके रख दिया है। जब भी घर पे कोई पार्टी हो या फ्रेंड्स आने वाले हो ना, थोड़ी बहुत प्लानिंग करके रखो तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है और वो लास्ट में भागा दौड़ी नहीं होती। तो मैंने पेपर पे प्रॉपरली मेन्यू डिसाइड करके और उसके लिए क्या क्या ग्रोसरीज चाहिए वो पूरा लिस्ट बनाया था और 1-2 दिन पहले ही जाके सारी ग्रोसरीज करके आ गए थे। गार्लिक छील के रख दिया था, वो एक बहुत बड़ा काम लगता है, बट लास्ट में गार्लिक थोड़ा कम पड़ गया है। अभी गार्लिक चटनी बनाने के लिए बस ज़्यादा नहीं, 4-5 गार्लिक छील लेती हूँ। गार्लिक चटनी के लिए मैंने यहाँ पे गार्लिक ले लिया है, पीनट्स लिए हैं थोड़े से और सूखी मिर्च। सूखी मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना और हम सभी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। कश्मीरी चिली पाउडर आप खूब सारा ऐड कर सकते हो बाद में कलर के लिए। मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका डालो या फिर कश्मीरी चिली पाउडर डालो, एक ही बात है। पैन को गर्म कर लिया है, बस ड्राई रोस्ट करूंगी, कोई तेल ऐड नहीं किया है। पहले गार्लिक ऐड किया है, थैंक यू।
सूखी मिर्च को ड्राई रोस्ट करो तो एकदम से खांसी आ जाती है ना, और पैन थोड़ा सा शायद ज्यादा गर्म हो गया था, वैसे तो अच्छे से रोस्ट हो गया था, ऐसे ब्राउन कलर ही चाहिए होता है। तो गार्लिक और मिर्च एक साथ करिए, और इसके बाद अलग से पीनट करूंगी, और कोकोनट मैं ड्राई वाला लेके आई थी, सूखा कोकोनट हो तो अच्छा है, काम कम होगा, बट अगर फ्रेश कोकोनट है आप उसको भी हल्का सा पैन में सॉटे करके ड्राई कर सकते हो और फिर यूज कर सकते हो। तो ये सारा कुछ हमें एक साथ पीसना होगा। पीनट भी ना मैं रोस्टेड वाले लाई थी, अनसॉल्टेड है और रोस्टेड है, सुपर स्टोर से लेके आए थे, इजी रहता है फिर ऐसे खामों में, ज्यादा देर तक इसको करने की जरूरत नहीं है। आज ये वाले प्लेट्स ना बहुत काम आ रहे हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें फ्राई करके रोस्ट करके निकाल के रखने के लिए, और जब भी कोकोनट भुनो ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, वो उसका ऑयल निकलता है ना बढ़िया वाली खुशबू आती है, वो नारियल के लड्डू की याद आ गई। बस तो खुशबू अच्छी आ रही है, टेस्ट भी ठीक है, मिर्ची थोड़ी और ज्यादा होती तो अच्छा लगता, थोड़ा सा और तीखा होना चाहिए था, बट वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म जो होता है ना मार्केट वाला वैसा सा नहीं है। तो अगर आप लोग भी बनाते हो तो बताना मैंने कहाँ क्या मिस किया, या फिर मुझे एक चीज़ जो लग रही है ये थोड़ा गर्म ही था मैंने पीस दिया, जब गर्म होता है ना कोई भी चीज़ आप पीसते हो तो उससे मॉइस्चर निकलता है, आई थिंक पूरा ठंडा हो जाता फिर पीसना चाहिए था, तो शायद वो पाउडर वाला टेक्सचर आ जाता, बट अगर आपके पास कोई टिप है तो मुझे ज़रूर बताना, फर्स्ट टाइम था मेरा। तेल को थोड़ा सा गरम कर लिया है, इसमें ब्लैक मस्टर्ड सीड, करी पत्ता ऐड कर रही हूँ, मेरे पास सूखा वाला ही है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट बना लिया है, गार्लिक का रॉ स्मेल चला गया है तो अब इसमें हींग ऐड किया है और नमक। गर्मियों का टाइम है और आम से कुछ ना बने ये तो नहीं हो सकता, तो आम पन्ना हम सबने सुना है वो कच्चे आम का बनता है, बट मैं पन्ना जरूर बना रही हूँ बट कच्चे आम का नहीं, पके हुए आम का, और आम उतने मीठे नहीं मिलते यहाँ पे, इसलिए ये मैंगो पल्प अल्फांसो का, ये हर एक जगह पे यहाँ पे मिल जाता है, सुपर स्टोर में, वॉलमार्ट में या फिर इंडियन स्टोर में, मैं सुपर स्टोर से लेके आई, वेर का ब्रांड का होता है और भी एक दो डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं। पहले हम ये बहुत लाते थे, इससे ना मैंगो आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनता है, मैंगो शेक भी बना सकते हैं, तो आज हम आम पन्ना बना रहे हैं, पके हुए आम का पन्ना। ये हमारा पल्प रेडी हो गया, इसको आप पहले से बना के भी फ्रिज में रख सकते हो, इनफैक्ट 3-4 दिन के लिए आराम से ये रह जाएगा, और अगर आपका मैंगो मीठे वाला है फिर तो ज्यादा शुगर ऐड करने की भी जरूरत नहीं, मैंने इसको ट्राई करके देखा, थोड़ी सी खटास है अभी भी इसमें, बहुत ज्यादा मीठा वैसे भी ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा खट्टा मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए काला नमक काली मिर्च ऐड किया है, और उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी। आम पन्ने में ना पुदीना भी ऐड करना है, तो फ्रेश फ्रेश गार्डन से पुदीना लेके आते हैं। पूरे हाथ पे खुशबू भर जाती है।
सारा कुछ डन है, बस लास्ट में एक सब्जी बनाऊंगी पनीर की। इसको बोलते हैं पनीर जलफरेजी। सुन के कितना रॉयल वाली फीलिंग आती है ना, बट बहुत सिंपल है। फटाफट से कुछ बनाना हो वो भी सूखी वाली पनीर की सब्जी, ये बेस्ट है। इसमें ना सारा कुछ लंबा लंबा कट करते हैं, प्याज, कैप्सिकम, पनीर। पर पनीर मैं वो बड़ा वाला लाती हूँ कॉस्को से, और हमेशा उसको छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज कर देती हूँ, और छोटे छोटे कट भी करके रख देती हूँ। तो मेरे पास फुल पनीर नहीं है जिसको मैं लंबा काट सकूं। कल इनफैक्ट मैं वॉलमार्ट पे मलाई पनीर मिलता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, और सिर्फ वॉलमार्ट में ही मिलता है, हर एक जगह अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। आज हम छोटे वाले पनीर से ही काम चलाएंगे। उसको गर्म पानी में डिप करके रख दिया है, एज ऑलवेज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तेल में जीरा ऐड किया है, अनियन, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली, और जब ये फ्राई हो जाएगा तो टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। और मसाले में सिर्फ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, रेड चिली पाउडर और काली मिर्च, कैप्सिकम और रेड पेपर लास्ट में ऐड किया, और बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है ताकि उसका क्रंचीनेस बना रहे। थोड़ा सा ट्राई करके देखा, एग्जैक्टली जैसे माजा का टेस्ट होता है ना, फ्रूटी माजा, वैसा सा ही लग रहा है। वहां पे मम्मी भी लास्ट में हेल्प करने आ ही गए। There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. Juice was awesome. जूस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, ऑसम। और मैं इसलिए बोल रहा था कि इनको दोबारा आना चाहिए क्योंकि तभी मिलता है, मिल जाए। नहीं नहीं, बदनाम कहते हैं, इसके लिए दोबारा आ जा सकता है, सावन में इतनी गर्मी में आ जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया जूस। ये पियाली से आप लोग मिले हुए हो, जैस्पर में मिले थे हम, राजदीप दा, और बच्चे तो बिजी हो गए, और ये तो बड़ा बच्चा हो गया है। पुच्चू तो बड़ा बच्चा हो गया है, ये 18 का औशिक, औशिक हो गया भाई, औशिक। ये खेती बारी दिखा रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये रही गुड्डी, खेती बारी बहुत अच्छा है। आलू यहाँ पे, गाजर, तुम जाओ, तुम अगर थोड़ा मेहनत करोगी तो तुम्हारा भी हो जाएगा। आपका वैकेट है जगह, चौचुरी खावो पियाली, कुमरो डाटर चौचुरी। हाय पीपल, उस दिन बहुत ही ज्यादा मजा आया, सबने खाना वाना एंजॉय किया, लेट तक हमने गप्पे मारी, 11:30 बज गए थे, और बच्चों ने तो फुल ऑन एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे यहाँ पे कनाडा डे था, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे पार्क में, तो हमने उस दिन भी खूब सारी मस्ती की, यम्मी यम्मी खाना बनाया, जो कि मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी ये इंजॉय किया होगा, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। There's a place I have found in the shade on the ground.